है और अपने खिलाड़ियों के कैलिबर पे भी आपको इतना नाज है, तो फिर उन खिलाड़ियों को जरा अपने ऊपर संयम, अपने ऊपर काबू भी तो रखना चाहिए ना। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शोएब भाई सुनिए ना, मैं बहुत मोस्ट हम्बली आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप खुद क्रिकेटर हैं, आप ये सोचिए ना किस तरह की मैसेजिंग जाती है। ये आसिफ अली का पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप का भी एक तस्वीर देखिए, वो एक तरह से गन बना रखा है उन्होंने अपने बैट को और फायरिंग करने का इशारा कर रहे हैं। और ये इस साल का एशिया कप का है, आसिफ अली भी तो फिर सर सीरियल ऑफेंडर हो गए ना शोएब भाई, उनको भी तो कुछ मैसेज दीजिए। वो तो अपने जेस्चर कर रहे हैं, वो विराट कोहली कर तो ठीक है, आपने तो करा तो देखे दीदी, सिचुएशन खराब करने की कोशिश ना करें, हमारे अपने मसाइल हैं, हम हल कर लेंगे अफगानिस्तान के साथ, वो हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, रहने दोनों पेशावर में ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दिल्ली भी उनके लिए एक ऑप्शन है, रहने को तो भारत के सारे राज्य उनके लिए ऑप्शन है, जैसे आपके भाई हैं वैसे हमारे भी दोस्त हैं, भाई हैं, और ऊपर वाले का कर्म है कि अच्छे रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में, ऐसे रहने की उनको कमी नहीं है, खेलने की उनको कमी नहीं है, तो उसको आप मुद्दा ना बनाए ना। आपने अगर किसी को शरण दी है तो बड़ा दिल दिखा के दी है, वो बड़ा दिल आप खेल के मैदान में क्यों नहीं दिखा रहे। देखिए हमने 50 साल रखा, 50 साल आप भी रख लें, हम तो नहीं कह रहे आपसे, प्लीज प्लीज आप ले जाए, हमें तो कोई मसला नहीं, हम तो पोस्ट अफगानिस्तान वॉर यहां से टिश्यू पेपर तक तो हमारा जाता है उनकी तरफ, हम सारा प्रोवाइड करते हैं अफगानिस्तान को, हमारी सारी ट्रेड रूट यहां से खुलती है। दीदी देखिए वो हमारे भाई है, हम उनसे खुद कर लेंगे, आप ना इतनी गर्मी खाइए, आप ना दरवाजे खोल लें, प्लीज खोलिए, खुले हुए हैं। लेकिन दूसरी बात ये खुले हुए हैं, ठीक है ना जी, आप हम सारे पड़ोसी हैं। अरे शोएब भाई देखिए ना, एशिया कप में कौन खेल रहे हैं, एशिया कप में जितने देश खेल रहे हैं सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं, हमारा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी है, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी है, पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, श्रीलंका भी बस पड़ोस में ही है, तो सब पड़ोसी देश है, सब पड़ोसी देशों के बीच में कुछ कुछ खटपट चलती रहती है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये शोएब, मेरा सवाल सुनिए, आसिफ अली ने जिस तरह से बल्ला दिखाया कि मैं मारूंगा, ये जो एटीट्यूड है, किसे क्या उस वक्त रोकना नहीं चाहिए था, ये गलत संदेश जाता है। आप गलत कह रही हैं, उसने पहले बदतमीजी की, उसने धक्का दिया, उसने कहा बदतमीजी मत करो, ऐसी बात है। देखे ये वो वाहिद मुल्क है जिसने 5 मिलियन माइग्रेंट्स को जगह दी, खाना दिया, इज्जत दी, अपना बनाया, तो एहसान जता रहे हैं भाई बनके, तो नहीं एहसान नहीं जता रहा, आपको ये बता रहा हूँ आप इस चीज को एडमायर करें, थर्ड वर्ल्ड कंट्री होके आपको हमने 5 मिलियन बंदों को रेफ्यूजीज किया, आप ये बात समझे, अब बात समझे, तो आप इस तरह ना कीजिए। देखिए वो हमारे भाई हैं, हम कर लेंगे, आप इस मुद्दे में ना पड़े, इंडिया को ज्यादा खुशी हुई भाई, ये कमाल है, आप भाई भी बोल रहे हैं उन्हें और एक एक एहसान भी गिनवा रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं बीच में शादाब खान ने क्या कहा है इस पूरे मामले में वो भी सुना देती हूँ, एक बार सुनते हैं कि शादाब खान ने इस पूरे हिस्से पर, इस पूरे मामले पर क्या कहा, सुनिए। हीट ऑफ द मोमेंट ये चीजें हो जाती हैं, और क्योंकि दोनों टीमें अपने दोनों प्लेयर्स कोशिश यही कर रहे होते हैं कि अपनी टीम को जितवाएं, और जब आपसे नहीं हो पाता या कुछ ऐसी चीजें हीट ऑफ द मोमेंट निकल जाती हैं, तो मुझे लगता है वो तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए। हीट ऑफ द मोमेंट में एक दूसरे को कोई इशारा करना या फिर कुछ कहा सुनी होना, स्लेजिंग होना, शोएब अख्तर खुद मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने भी ये सब किया भी है, ये सब सहा भी है, लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं है शोएब भाई जहां पर बल्ला दिखाया गया हो, ये बोला होगा कि बस अब यहां पर ही फैसला होगा, सर फोड़ने से फैसला होगा क्या? कृति मुझे कलकत्ता क्राउड ने पत्थर मारे, बॉम्बे क्राउड ने पत्थर मारे, आपने क्या किया? मैंने तो आज तक दिल में कभी नफरत नहीं रखी, वही मैं पूछ रही हूँ, आपने आप अपना रिस्पांस देखिए ना, कितना संयम से भरा था आपका रिस्पांस, तो मैंने कर दिया ना, तो आसिफ अली को भी वही सलाह दीजिए ना फिर, आप ये क्यों कह रहे हैं, जायज क्यों ठहरा रहे हैं उनके रिएक्शन? मैं ये नहीं कह रहा भाई, हीट ऑफ द मोमेंट चीजें हो जाती है, हो गई, खत्म हो गई, क्राउड को नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन क्राउड की ये तीसरी दफा गलती है, तीसरी दफा यही कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं फिर, अफगानी क्राउड को कैसे क्या आप स्टेडियम में ना आने दिया जाए? देखें जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मुकाबला हो तो क्या अफगानिस्तान के क्राउड को मना कर दे वहां आने से? तो अब पुलिस, दुबई पुलिस देख रही है ना, अब भुगतो, हमने तो नहीं कर रहा ना, पुलिस दुबई पुलिस ने पकड़े हुए 100 बंदा पकड़ा हुआ, अब भुगतो, डिपोर्टेशन होगी तो बेहतर रहोगे आप। देखिए मैं अफगानी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए आप जरूर अपने अपने अपना स्पेस रखें, आप हमारे साथ बेशक अपने डिफरेंस ओपिनियन रखें वो ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है स्टेडियम को नुकसान पहुंचाया, हमने कहा था स्टेडियम को नुकसान पहुंचाएं, हमने कहा था ग्रीन शर्ट को कुर्सियां मारो, देखो यार
इंडिया को तकलीफ हुई इस चीज की कि पाकिस्तान कल जीता, अफगानिस्तान जीता था, वो ज्यादा खुशी होती, लेकिन मैं इन चीजों पे नहीं पड़ता। अब इंडिया को क्यों ड्रैग कर रहे हैं यार? इंडिया को, इंडिया का क्या इसमें, इंडिया को मत ड्रैग कीजिए ना। देखिए मैच आपके सामने है, जिस जज्बे के साथ अफगानिस्तानी खिलाड़ी खेले कल, वो काबिले तारीफ है, ये तो आपको मानना होगा। कितने छोटे टोटल को भी उन्होंने एक मैच बना दिया, उस पर तारीफ करेंगे कि नहीं? ओहो, रिकॉर्ड क्या कहता है, हारे हैं कभी हमसे, जीते हैं आज तक अभी जीता खान साहब। खुद पाकिस्तान इसका गवाह है। पहले रिकॉर्ड हमारा भी बड़ा 100% था आईसीसी इवेंट्स में, टूटा ना, आपका भी टूट सकता है, घमंड की क्या बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आपने बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के अपनी क्रिकेट खड़ी की है और उसके बाद आप किसी इवेंट में फाइनल में नहीं पहुंचते, उसका क्या करेंगे आप? हाँ, उसकी तो चिंता है ही, वो तो पूरा मैं शो कर चुकी हूँ आपके साथ। और मैंने तो कभी अपनी टीम के खराब प्रदर्शन को डिफेंड ही नहीं किया। पर यहाँ पे बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हो रही है शोएब भाई, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये जो जज्बात इतने ज्यादा हाई हो गए थे, हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ दो खिलाड़ियों के बीच, पिच में खड़े होकर मैदान के बीचों बीच, कहीं ना कहीं उसका असर जरूर जाता है फैंस पर भी, चाहे वो अफगानिस्तान का चाहे पाकिस्तान। जी कोई बात नहीं, दो भाइयों में लड़ाई हुई, खैर दोनों भाई अपने मसले को सेटल कर लेंगे, इजी हो जाए, कोई मसला नहीं, हम अपने भाई हमारे हम सेटल कर लेंगे, वो हमारे साथ ही रहते हैं। मसले को लेके आप रमेश राजा जा रहे हैं आईसीसी, सो रिलैक्स भाई, प्रोटेस्ट तो करना है ना भाई, प्रोटेस्ट करना है भाई, टीम को खतरा हो सकता है या क्राउड चार्जिंग कर जाता है या ड्रेसिंग में चल जाता, कुछ नुकसान हो जाता तो फिर किसके, कौन करता? तो आईसीसी इसका बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, आपको मैं अभी बता रहा हूँ। और इस बड़ा जरूरी है कि अफगानिस्तान क्राउड और अफगानिस्तान टीम बिचाई, मैं तो खुद उनकी मदद करता रहता हूँ अफगानिस्तान टीम की, जब भी लड़के आते हैं इस्लामाबाद में तो मैं खुद बताता रहता हूँ ऐसा करो खेलो, तो हम तो खुद मदद करते रहते हैं, हम तो पिछले 50 साल से कर रहे हैं, अंदर निकले इंशाल्लाह 50 साल करें। लेकिन वो बात ये है कि देखिए ये कोई तरीका नहीं है क्राउड का कि आप कुर्सियां मार रहे हो, देखो ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, सर पे कुर्सी दे मारी है, अगर वहां कोई इंजर्ड हो जाता जो कितनी 150 कंप्लेंट उस तरफ से